देशभर में कोरोना की त्रीजेला असर जोवा मळी रही है तरह समग्र भारत में कोरोना वधता जता केस है तरह सरकार द्वारा विविध कोरोना गाइडलाइन बहार पाड़वामां आवी छे। हाल लग्न प्रसंग होय के वस्ती मेळावड़ो जेमा 150 लोगों की मंजूरी आपवामां आवी छे त्यारे सीधी असर रेलवे में जोवा मळी हती। तरह अमदावाद थी 90 ट्रेनों विविध शहरों माटे जती होय छे तरह डिसेम्बर महीना में 12 करोड़ लोगों टिकट कैंसल करावी छे। तरह बीजी बाजु 15 तारीख थी 31 जानुआरी सुधी की बात करिए तो कुल रेलवे टिकट कैंसल करावानी 9 करोड़ थी वधु नाणा परत आपवामां आव्या छे। तरह अमदावाद रेलवे ना पीआरओ द्वारा पण जणाववामां आव्युं हतुं के कैंसलेशन पण हवे ओछुं थई रह्युं छे। देखिए, पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर जो ट्रेन चलती हैं करीब अभी 90 के आसपास ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है और इन ट्रेनों को हम लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते कर रहे हैं। अभी पिछले दिन हम लोगों ने महसूस किया था कि कोविड की तीसरी जो लहर डिक्लेयर हुई थी और लोगों में एक भय व्याप्त हुआ था, उसके कारण जो शादी पार्टियों में जो एक लिमिटेशन कर दी गई 50 लोगों की, 100 लोगों की और 150 लोगों की, उसके कारण जो पहले से रिजर्वेशन कराया था जिन लोगों ने शादी और पार्टी में जाने के लिए, उन लोगों ने अपने रिजर्वेशन को कैंसिल कराया था। दिसंबर की बात करें, दिसंबर में भी ये कैंसिलेशन करीब 12 करोड़ से अधिक का हुआ था, लेकिन अगर हम लोग पिछले 15 दिन की बात करें 15 जनवरी से 31 जनवरी तक की, तो उसमें ये हम लोगों ने अर्न किया है 46 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा अर्न किया है जो रिजर्वेशन टिकट से है, बुकिंग से है और जो इंटरनेट की टिकट से है। और इसका जो रिफंड जो लोगों ने कैंसिलेशन कराया है उसमें करीब 9 करोड़ 95 लाख के आसपास जो राशि हम लोगों ने वापस की है, तो धन वापसी हुई है, तो इतने लोगों ने कैंसिल कराया है। तो अभी पहले की तुलना में थोड़ा सा कम लोगों ने कैंसिलेशन कराया है, लेकिन जिन लोगों को अपनी यात्रा को जारी रखना है या बहुत आवश्यक कार्य से जाना है वही जा रहे हैं। रेल प्रशासन पूरे कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर व्यवस्था कर रखी है। सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क कैरी करना हो और वैक्सीनेशन का भी हो, वो भी स्टेशन पर है, कालू स्टेशन पर, और अगर कोई कोविड का टेस्ट कराना चाहता है वो भी व्यवस्था स्टेशन पे है। तो कुल मिला के रेल प्रशासन पूरी तरह से कोविड-19 की प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए रेल का संचालन कर रहा है और ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पे ये सब किया जा रहा है। तो आते अत्यार सुधीना समाचार, वधु समाचार माटे आप जोता रहो निर्माण न्यूज। नमस्कार।